Hello my dear students and welcome back to my channel once again. My dear viewers, हम किसी भी भाषा में जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं या फिर करना चाहते हैं। जैसे हम यह बोलते हैं कि मैं चाय से ज्यादा कॉफी लेना पसंद करूंगा या फिर मैं चाय से ज्यादा कॉफी लेना पसंद करता हूं, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि कल मैं फरीदाबाद घूमने से ज्यादा दिल्ली जाना पसंद करूंगा। आप काफी समय से इस बस स्टॉप पे बैठे हो, कोई भी बस नहीं आ रही है, बेहतर होता कि आप अगले बस स्टॉप पे चले जाते। अगर मैं मूवी देखने गया और मूवी मुझे पसंद नहीं आया तो मैं यह बोल सकता हूं कि बेहतर होता कि मैं मूवी देखने नहीं आता। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम हिंदी में तो बोलना जानते हैं, बट इंग्लिश की जब बारी आती है तो हम वहां पे बोल नहीं पाते हैं, बिकॉज ग्रामर के जो नॉर्मल रूल्स है उससे हटकर इनके स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वह है प्रेफर, वुड प्रेफर, had better, had rather, had sooner, would sooner, would as soon, ... as, यानी ... के जगह पे कोई वर्ड आएगा, हम as soon as एक साथ यहाँ पे नहीं लिखेंगे। So my dear students, सबसे पहले हम आते हैं prefer के तरफ। जब हम prefer का यूज करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं, मैं मुंबई से ज्यादा चेन्नई जाना पसंद करता हूं। आई प्रेफर गोइंग टू चेन्नई टू मुंबई। यहां पर हमेशा ध्यान में रखना, जब हम प्रेफर का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो हम V1 प्लस ING यूज करते हैं, और जब दो नाउंस के बीच जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं कि भाई हमें यह पसंद है उससे ज्यादा या वह पसंद है इससे ज्यादा, वहां पर हम प्रेफर का यूज करते हैं और वहां पर हम देन यूज नहीं करते हैं। प्रेफर के साथ हम हमेशा टू यूज करते हैं। सो आई प्रेफर गोइंग टू चेन्नई टू मुंबई, यानी मैं मुंबई से ज्यादा चेन्नई जाना पसंद करता हूं। एक बात ध्यान देने की बात है कि जिस नाउन को या प्रोनाउन को या जिस वर्ड को आप प्रेफर करते हो, यानी जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हो, वह चीज वह नाउन या प्रोनाउन प्रेफर के साथ होगा। इस सेंटेंस में मैं मुंबई से ज्यादा चेन्नई जाना पसंद करता हूं, यहां पर पसंद क्या करता हूं ज्यादा, चेन्नई जाना, यानी यह चेन्नई प्रेफर के साथ है। ठीक उसी तरह से मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं। आई प्रेफर ज्यादा पसंद क्या करता हूं, मैं कॉफी पसंद करता हूं, इसलिए कॉफी प्रेफर के साथ है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं। सो माई डियर व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे कि प्रेफर का यूज हम तब करते हैं जब हम दो नाउन या प्रोनाउन के बीच हम तुलना करते हैं और फिर हम कंक्लूड करते हैं कि उससे ज्यादा मुझे यह पसंद है या इससे ज्यादा मुझे वह पसंद है। अगर नाउन का यूज हम करते हैं फिर तो नाउन फॉर्म में आएगा कोई भी वर्ड, और अगर वर्ब का यूज करते हैं तो वह भी नाउन के रूप में यूज होगा, यानी V1 प्लस ING इज इक्वल टू जेरन। यह जेरन भी नाउन का काम करता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हम आगे वुड प्रेफर। वुड प्रेफर का ज्यादातर हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, जैसे मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करूंगा, आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी। यहां पर भी प्रेफरेंस की बात हो रही है लेकिन फ्यूचर टेंस की बात हम कर रहे हैं,
तो वहां पर दो नाउंस के बीच हम जब प्रेफर करते हैं तो वहां वुड यूज करेंगे, प्लस प्रेफर, वुड प्लस प्रेफर, इसका यूज हम फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, फ्यूचर टेंस। यहां पर दो के बीच हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, प्रेफर हम किसको कर रहे हैं, कॉफी को कर रहे हैं, वह वुड प्रेफर के साथ आएगा। सो द सेंटेंस इज आई वुड प्रेफर कॉफी टू टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद करेगा। अब यहां पर हम वर्ब की बात कर रहे हैं, अब यहां पर हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस होगा ही वुड प्रेफर टू प्ले, टू प्लस भी बनाएगा यहां, ही वुड प्रेफर टू प्ले देन रादर देन स्टडी। यह हमेशा ध्यान में रखना कि जब वुड प्रेफर की बात हम करते हैं तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह टू प्लस वी वन होगा, दिस इज टू प्लस वी वन, अर्थात यह है इन्फिनिटिव, इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। और फिर रादर देन के बाद हम सिर्फ वी वन यूज करेंगे, यहां पर हम टू प्लस वी वन यूज नहीं करेंगे। वह पढ़ने से ज्यादा खेलना पसंद करेगा, ही वुड प्रेफर टू प्ले रादर देन स्टडी। यहां पर फुल इन्फिनिटिव यूज हुआ है और यहां पर हमने किया है बेयर इन्फिनिटिव यूज। वह मूवी देखने से ज्यादा पढ़ाई करना पसंद करेगा, ही वुड प्रेफर टू स्टडी रादर देन वॉच मूवी। रादर देन के बाद हमने सिर्फ वी वन यूज किया है, हमने टू प्लस वी वन यूज नहीं किया है। मैं झुकने से अधिक मरना पसंद करूंगा, मैं ज्यादा पसंद क्या करूंगा, मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा, यानी दो एक्शन है यहां पे, झुकना और मरना। मैं पसंद करूंगा मरना। सो आई वुड प्रेफर, टू प्लस वी वन यहां आया है, आई वुड प्रेफर टू डाई रादर देन बो डाउन टू यू, यानी रादर देन के बाद हमने यहां पर वी वन यूज किया है। सो माय डियर व्यूअर्स, जो स्ट्रक्चर्स आपके स्क्रीन पे है, जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बेहतर ढंग से समझ जाइए, क्योंकि इसका सिर्फ स्पोकन में ही नहीं बल्कि रिटन इंग्लिश में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी काफी आपको मदद करने वाली है। मैं काम करने से ज्यादा स्कूल जाना पसंद करूंगा, आई वुड प्रेफर टू गो टू स्कूल। यहां पर वुड प्रेफर के बाद हमने टू प्लस वी वन यूज किया है, यानी स्कूल जाने को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूं और काम करने को मैं कम प्रेफरेंस दे रहा हूं। सो आई वुड प्रेफर टू गो वेयर टू स्कूल रादर देन, हमने यहां यूज किया है और उसके बाद हमने यहां वी वन यूज किया है रादर देन वर्ब। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेशन पे आते हैं, यह फॉर्मेशन हैड बेटर या फिर हैड रादर। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। हैड बेटर या हैड रादर का यूज हम कहां पे करते हैं, इस बात को सबसे पहले समझना है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, हैड बेटर और हैड रादर के बाद हमेशा हम वी वन यूज करते हैं। यह गलतियां हम में से 50% लोग करते हैं, क्योंकि हैड के बाद हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने के आदि होते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 होता है, और वही गलती हम यहां कर बैठते हैं। यहां पर भी हम हैड के बाद V3 यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। ऐसा अगर हम करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। सो हैड बेटर और हैड रादर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। दूसरी बात कि हैड बेटर और हैड रादर का यूज हम कहां करते हैं, हैड बेटर और हैड रादर का यूज हम दो केस में करते हैं, दो सिचुएशन में करते हैं। एक तो हम तब करते हैं जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं कि भाई इससे बेहतर होता कि आप वह कर लेते, उससे बेहतर होता कि आप यह कर लेते, एक तो यह है। और दूसरा यूज जो हैड बेटर या हैड रादर के लिए हम तब करते हैं जब हम किसी को
धमका रहे होते हैं, जब हम किसी को धमकी देते हैं, तब हम इसका हैड बेटर और हैड रादर का यूज हम करते हैं। बेहतर है कि तुम काम खत्म कर लो। हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं, हम किसी को वार्न कर रहे हैं, यू हैड बेटर कंप्लीट द वर्क। या जो सेंटेंस हिंदी में आपके सामने है वह क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। इट इज अ पीस ऑफ वार्निंग। हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं, यहां पर भी हम हैड बेटर और हैड रादर का यूज करेंगे, लेकिन प्लीज कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू यूज ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आफ्टर हैड बेटर एंड हैड रादर। यू हैड बेटर मेंड योर वेज। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। यू हैड बेटर मेंड योर वेज, यानी यहां पर हैड बेटर के बाद मेंड है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मेंड का मतलब होता है सुधारना या सुधार लाना। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे वो कॉमन एरर्स हो या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम अक्सर यह गलती कर बैठते हैं। कौन सी गलती? हैड बेटर या हैड रादर के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जो गलत हो जाता है। बेहतर होगा कि तुम उसका प्रस्ताव ठुकरा दो। अब यहां पर यू हैड बेटर या यू हैड रादर आप यूज कर सकते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर यू होगा क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ है तुम। सो सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर या हैड रादर। यू हैड बेटर या यू हैड रादर क्या होगा? यू हैड बेटर टर्न डाउन हिज प्रपोजल, या यू हैड रादर टर्न डाउन हिज प्रपोजल। बेहतर होगा कि तुम उसका प्रपोजल ठुकरा दो, यानी टर्न डाउन कर दो। यहां पर जो टर्न डाउन है यह एक फ्रेज है, और यह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी दिस इज फ्रेजल वर्ब, दिस इज ऑल्सो इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेहतर होगा कि तुम मेहनत करना शुरू कर दो। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम वार्न कर रहे हैं, किसी को वार्न कर रहे हैं कि भाई बेहतर होगा कि तुम मेहनत करना शुरू कर दो। किसी निकम्मे को मैं बोल रहा हूं कि अब ऐसा नहीं चलेगा, बेहतर होगा कि तुम मेहनत करना शुरू कर दो। यू हैड बेटर स्टार्ट वर्किंग हार्ड। यहां पर माई डियर स्टूडेंट्स, हैड बेटर के बाद हमने जो वर्ब यूज किया है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा होगा कि तुम शोर नहीं मचाओ। यू हैड बेटर नॉट मेक अ नॉइज, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड बेटर के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते तो अच्छा होता। दूसरा सेंटेंस है, अगर वह डॉक्टर का सलाह लेता तो अच्छा होता। फर्स्ट सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैड रादर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यहां पर हैड रादर, या फिर आप यहां पर हैड बेटर भी यूज कर सकते हो। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। You can also use had better. So had rather या had better दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यह एक फ्रेज है और यह भी फर्स्ट फॉर्म में है। You had better take care of your health. आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते तो अच्छा होता। या फिर हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं, अच्छा होता कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते। अगर वह डॉक्टर का सलाह लेता तो अच्छा होता। He had rather see the doctor. See the doctor यानी डॉक्टर का सलाह लेना। See भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है और had rather यहां पर यूज हुआ है। यहां पर हम had better भी यूज कर सकते हैं। So my dear students, यह फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और
इस तरह का जो फॉर्मेशन है उस पर मेहनत तो आपको करनी है, मैं सिर्फ गाइड करने वाला हूं, मेहनत आपको करनी है, और जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी, और जितना आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, नेक्स्ट हैड सुनर या वुड सुनर। हैड सुनर और वुड सुनर इसका यूज हम कब और कहां करते हैं? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन हैड बेटर, हैड रादर एंड हैड सुनर, वुड सुनर। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो। यू हैड सुनर मेंड योर वेज। आप ऐसा भी लिख सकते हैं यू हैड बेटर या यू हैड रादर। यू हैड सुनर मेंड योर वेज या यू हैड बेटर मेंड योर वेज या यू हैड रादर मेंड योर वेज। यहां पर भी हैड सुनर और वुड सुनर के बाद हमेशा मेरे प्यारे बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वह आराम करने से ज्यादा पढ़ना पसंद करेगा। ही वुड सुनर वॉक देन टेक रेस्ट। अब मैंने बताया आपको कि वुड प्रेफर फ्यूचर टेंस में हम ज्यादातर यूज करते हैं, उसी तरह से वुड सुनर भी हम ज्यादातर फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। वुड सुनर वॉक देन टेक रेस्ट। यहां पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करने के बाद वी कंक्लूड कि भाई हमें यह करना चाहिए, और फिर हम बोलते हैं कि मैं वह करने से बेहतर यह करूंगा। वहां पर हम यूज करते हैं वुड सुनर। ही वुड सुनर वॉक देन टेक रेस्ट। यहां पर देन तो यूज हुआ है लेकिन दोनों जगह हमने सिर्फ V1 यूज किया है, हमने 2+V1 यूज नहीं किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वुड सुनर के बाद भी हम सिर्फ V1 यूज करते हैं और उसके बाद जो आने वाला देन है उसके बाद भी हम V1 ही यूज करते हैं। यहां पर देन इसलिए यूज हुआ है, आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि देन का यूज हम वही करते हैं जहां पर दो नाउन या प्रोनाउन या दो एक्शन के बीच कंपैरिजन है, दो के बीच तुलना है, वहीं पर हम देन का यूज करते हैं। सो वुड सुनर या वुड रादर या वुड प्रेफर के साथ हम देन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पर कंपैरिजन हम करते हैं दो के बीच। नेक्स्ट फॉर्मेशन है वुड एज सून डॉट 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 एज। बिल्कुल आपको नया लगेगा क्योंकि इसका यूज कम होता है, बट अगर यह एग्जिस्ट करता है तो हमें पता होना चाहिए। पता नहीं कब इसका यूज करने को मिल जाए और वहां पर हम यूज ना कर पाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। सो हम जब बोलते हैं तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी आदत सुधार लो, तो हम क्या बोलते हैं? यू हैड सूनर मेड योर वेज। लेकिन जब हम बोलते हैं वह आराम करने से ज्यादा पढ़ना पसंद करेगा, नाउ आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? इन सेंटेंस नंबर 1 नो कंपैरिजन हैज बीन मेड, यहां कोई तुलना नहीं हुआ है दो के बीच, लेकिन यहां पर कंपैरिजन हैज बीन मेड। आराम करना और पढ़ना दो के बीच हमने कंपैरिजन किया है, हमने क्या यूज करना है? वुड एज सून डॉट 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 एज। आई वुड एज सून स्टडी एज टेक रेस्ट। यानी यहां जो डॉट है, डॉट की जगह पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हमने कर दिया है, उसके बाद फिर हमने एज यूज किया है। इसका मतलब है वह आराम करने से ज्यादा पढ़ना पसंद करेगा। He would as soon study as take rest. इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, वह आराम करने से ज्यादा पढ़ना पसंद करेगा। He would prefer to study rather than
टेक रेस्ट, जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल के शुरू में मैं बता चुका हूं। तो आप कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं ऐसे एक्सप्रेशन के लिए, या फिर वुड एज सून डॉट 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 एज के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी दबा दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।